The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Alright, so we are talking about what are the causes of cancer, risk factors. पहली बात हम बता रहे थे किस इंसान को कैंसर होगा किसको नहीं होगा या पहले से जानना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए नहीं आपके लिए नहीं है किसी के लिए नहीं सो इट इज नॉट पॉसिबल टू नो एग्जैक्टली हु विल गेट कैंसर एंड व्हाई ही गॉट कैंसर बट इट इज पॉसिबल कि ये बताया जाए कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे कैंसर का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे कैंसर का रिस्क कम बढ़ सकता है सो there are some factors which are linked to high risk of cancer and there are some factors which are linked to low risk of cancer ठीक है जो low risk वाले होते हैं उसको protective बोल देते हैं सीधी बात है और high risk वाले होते हैं उसको high risk वाले बोल देते हैं so जो high risk का मतलब क्या कोई भी ऐसी extreme चीज अगर आपकी body पे हो रही है मतलब एक्सपोजर टू केमिकल्स अदर अननेचुरल सब्सटेंसेस एक्सपोजर होना वो क्या होगा आपकी बॉडी विल गो इनटू म्यूटेशन मोर ऑफ ठीक है तो केमिकल एक्सपोजर अननेसेसरी कुछ टाइप के बिहेवियर्स भी राइट बिहेवियर्स के बारे में भी बात करेंगे जैसे कि अगर आप सो नहीं रहे हो अगर आप रेस्ट नहीं कर रहे हो So that kind of a behavior increases agitation inside your cells, stress levels badhate hain, cortisol levels badhate hain, causes problems, right? So, kuch aisi bhi cheeze hain jo aapke control mein nahi hai, jaise age, umar ke saath cancer ka risk badh jata hai, hab sabko badhta hai, phir family history, agar genes ho gaye, genetic factor, aapke family mein cancer ho chuka hai, aapka chance badh jayega, no doubt. So very very common problem है inherited cancer syndrome family history होना और most common risk factor जो लंबे समय में हर एक cancer के patient को देख देख के समझ में आता है वो scientist ने निकाल के कुछ factor जोड़े हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि ये सारी चीजें हैं जो important right so उसमें जो example के तौर पे जैसे अगर कुछ होते हैं जो ट्रू रिस्क फैक्टर्स हैं कुछ होते हैं जो पोटेंशियल रिस्क फैक्टर्स हैं याद रखिए ट्रू रिस्क फैक्टर्स और बहुत सारे इसमें कॉमन मिथ्स भी है मिसकंसेप्शंस भी है क्योंकि एक पर्टिकुलर फ्रूट है एक पर्टिकुलर चीज है जो कार्सिनोजेनिक हो सकती है उसमें प्रॉपर्टी है तो डिपेंडिंग अपॉन आपके केस में आपने कितना कंज्यूम किया उस पर डिपेंड करेगा कि आपने वो लिया नहीं लिया वो बड़ा फैक्टर हो गया लेकिन जो चीज आप रोज कर रहे हो दैट इज अ बिग रिस्क रेदर देन वन टाइम या ओकेजनल यूज तो मोस्ट बिगेस्ट रिस्क फैक्टर आपको यह समझना होगा कौन से हैं एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड के ये लिस्ट जो है ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें और चीजें समय के साथ बढ़ती जाएंगी सबसे पहला हमने आपको बताया एज कैन यू गेस व्हाट इज द नंबर टू थिंग नंबर टू इज अल्कोहल या दारू दारू सिगरेट बीड़ी तंबाकू एनी एडिक्टिव सब्सटेंस ये सारे नंबर टू रीजंस हैं कैंसर के फर्स्ट इज एज उम्र के साथ सबकी बॉडी में कैंसर डेवलप होता ही है ये अलग बात है कि लोग दूसरे कारणों से पहले मर जाते हैं पता नहीं चलता कैंसर है लेकिन अगर एक उम्र के बाद डेथ होने वाले सभी का पोस्टमार्टम होगा तो उनके अंदर कोई ना कोई कैंसर कोई ना कोई ट्यूमर निकलता ही है So that means what? Cancers are very common. लेकिन कुछ cancers out of control चले जाते हैं और उनके कारण है ये alcohol, cigarette, बीड़ी, तंबाकू, pollution, basically cancer causing substances. ये cancer causing chemicals हैं substances हैं जो आप अपने शरीर में डाल रहे हैं या आपके शरीर में जा रहे हैं आपके कुछ लोगों के मान लीजिए काम का एरिया ही इतना ज्यादा पोल्यूटेड इतना ज्यादा खराब है कि उनको कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है
सो अनफॉर्चुनेटली उनके लिए क्या कर सकते हैं, काम बदल लो। फिर सो क्या क्या आ गया, एज, एडिक्टिव सब्सटेंसेस, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस, दारू, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, राइट, पॉल्यूशन। थर्ड चीज जो है उसमें है इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। जब भी कहीं पे क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है, सुना होगा ना, लिवर में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उनसे कैंसर डेवलप हो सकता है। जी हाँ, हेपेटाइटिस सी से ज्यादा, बी से कम, लेकिन कैंसर डेवलप हो सकता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन के वजह से। चीजों में, लिवर में कैंसर डेवलप हो सकता है। ऐसी किसी भी जगह पे अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा तो वहां पर आपके सेल्स रिस्पॉन्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सुई लेके अपने हाथ को खरोचना शुरू करें, खरोचना शुरू करें, इतना कि उस हाथ को कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो 10 दिन बाद, 25 दिन बाद, 50 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, वहां पे क्या होगा, वो रफ हो जाएगी स्किन, वहां स्कार आने लगेंगे, वहां आपको लगेगा कि वो इन्फ्लामेशन है, और वहां पर धूप भी लग रही है, वहां ये भी लग रही है, तो वहां कैंसर डेवलप हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, ये एक एग्जाम्पल है क्रोनिक इन्फ्लामेशन का। तो सोचिए, अगर कोई बीमारी आपके किसी भी अंदरूनी ऑर्गन को क्रोनिकली इन्फ्लामेशन, यानी क्रोनिकली छेड़ रही है। इन्फ्लामेशन इज बेसिकली कोई भी इंजरी, इन्फेक्शन से इन्फ्लामेशन होता है। इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन अलग है, मैंने पहले कई बार समझाया इन्फेक्शन वाले वीडियोज में, इम्यूनिटी वाले वीडियोज में, इन्फ्लामेशन वाले वीडियोज में। सो इन्फ्लामेशन मतलब इरिटेशन, कोई भी इरिटेशन हो, ये इरिटेशन ऊपर की चमड़ी पे आप कर सकते हो, तो अंदर एक खादा, मान लो कोई कोई सूजन है कहीं पर जो इरिटेट कर रही है, फैटी लीवर है जो इरिटेट कर रहा है, लॉन्ग टर्म में वो कैंसर बन सकता है। सो क्रोनिक इन्फ्लामेशन कैन कॉज कैंसर। सिंपल, अल्कोहल, एज, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस, उल्टा सीधा दारू, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एंड द फिफ्थ थिंग इज योर डाइट। डाइट में मतलब जितना आप गंद खाते हैं, जितना आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। नाउ व्हाट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, गंद और प्रोसेस्ड फूड। गंद का मतलब होता है जो हम पैकेज्ड फूड खाते हैं, ये जग जाहिर, ये क्लियरली प्रोक्लेम्ड है कि जो पैकेज्ड फूड होता है वो ज्यादा दिनों तक टिकता है, 1-2 महीने टिकता है, 6 महीने टिकता है। जो घर में बनाते हो, 2 दिन में खराब हो जाता है, तो वो टिकने के लिए उसमें जो चीजें डाली जाती हैं, जो प्रिजर्वेटिव डाली जाती हैं, दीज आर नॉट गुड फॉर योर बॉडी। उनकी एक सेफ्टी लिमिट बनाई जाती है। जी हाँ, उनकी एक सेफ्टी लिमिट बनाई जाती है कि एक प्रोडक्ट में ये सेफ लिमिट है। मगर आप वो एक प्रोडक्ट ही नहीं खाते, वैसे रोज के 10-10 प्रोडक्ट खाते हो, कभी ये, कभी वो, कभी ये, कभी वो, कभी वो, कभी ये, कभी वो, इसलिए आपके अंदर वो लिमिट क्रॉस हो सकती है। ऑल्दो FDA सब सोच के आपकी सेफ लिमिट कम करवाती है, लेकिन इस दुनिया में बिकने वाले सारे के सारे प्रोडक्ट FDA को फॉलो नहीं करते, और सारे के सारे लेबल जो उस पर लगे हैं वो सच नहीं बोलते, इसीलिए रिस्क आपका बढ़ जाता है। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? सो पैकेज्ड फूड, पैकेट में बंद फूड जितना कम खाएंगे उतना अच्छा। ऐसा नहीं कि एक बार खा लिया तो कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना कम उतना अच्छा। पैकेज्ड फूड नहीं खाना है और प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, यानी चिकन को उठा के उसकी सलामी बना ली, उसके जगह चिकन को पका के घर में खा लो, सेफ है। तंदूरी चिकन खा लो, टिक्का खा लो, इंस्टेड ऑफ उसका जो क्या बोलते हैं उसको, कबाब बना के खाना, प्रोसेस करके मत खाओ। सेम एग्जाम्पल, आप आलू को प्रोसेस करके चिप्स मत बनाओ, वैसे ही आलू का। सो दैट इज द थिंग, प्रोसेसिंग थिंग्स कॉजेस प्रॉब्लम्स। जितना ज्यादा प्रोसेस, जितना ज्यादा प्रिजर्व, उतना ज्यादा प्रॉब्लम। सिंपल, सो प्रोसेस फूड नहीं खाना। बाहर का जो मोर फैटी फूड, जो तला हुआ फूड, जो उसमें सैचुरेटेड फैट है, वो कैंसर ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा करते हैं, बैड ऑयल्स, ठीक है, दैट्स देयर। सो डाइट इज अ बिग फैक्टर। अगर आप मोटे हैं तो कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, हॉर्मोनल इम्बैलेंस से कैंसर हो सकता है, कॉर्टिसोल बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ गया, टेस्टोस्टेरोन कम, फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया, सॉरी। सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। फिर इंफेक्शियस एजेंट्स कई सारे, जैसे हेपेटाइटिस बी सी मैंने बताया,
उनके वजह से या किसी किसी प्रकार के, जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है उसके वजह से कैंसर काफी नोन है। सो काफी सारे वायरसेस हैं, काफी सारे इन्फेक्शंस हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो आगे चल के कैंसर कर सकते हैं। सो इन्फेक्शन से बचना है, रेगुलर इवेल्युएशन करना, रेगुलर ट्रीटमेंट कराना, रेगुलर चेकअप करना है। मोटापा अपने आप में बहुत बड़ा कैंसर कॉजिंग एजेंट है। ओबेसिटी, ओबेसिटी इज वन ऑफ द कॉजेज वाई पीपल आर डाइंग फ्रॉम कोरोना वायरस ऑल्सो। मोटे लोग ज्यादा मर रहे हैं, लड़के आदमी ज्यादा मर रहे हैं मोटे। रेडिएशन, सनलाइट, टोबैको, रेडिएशन और सनलाइट अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। आजकल वो ओजोन लेयर नहीं रहेगी, वो फिल्टर्ड लाइट नहीं रहेगी, अब खूंखार सन है। खूंखार सन रेडिएशन अपने आप में बहुत ज्यादा डेंजरस है आपके स्किन के लिए, स्किन कैंसर्स करने के लिए। वो बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं रखना है, इसीलिए कहते हैं 10 से 15 मिनट आपने करना है हफ्ते में 3 बार अपने विटामिन डी के लिए। बस जबरदस्ती बाहर बहुत ज्यादा नहीं खेलना है। और इन सब के साथ साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल जरूर रखनी है। ये सब करेंगे, रेगुलर हेल्थ चेकअप करेंगे तो कैंसर से बचेंगे। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स व्हाई यू कैन हैव, हाउ यू कैन हैव, जो आपके कैंसर के रिस्क बढ़ाते हैं, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप आपको समझ में आई हो। इन सब से दूर रहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल जीजिए और इस बात पॉइंट को शेयर जरूर करिए, खासकर उन लोगों के पास जो लोग आपके जान पहचान के हैं और सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, दारू, या मोटे हैं, या उल्टी सीधी डाइट खाते हैं, या फिर आपको लगता है दारू पीते हैं, या एक उम्र से ज्यादा है, तो उनको दिखाइए कि ये ऐसा ऐसा होता है। दे शुड ऑलरेडी नो व्हाट दे आर डूइंग रॉन्ग। अल्टीमेटली यू शुड फाइंड योर मिस्टेक्स एंड ट्राई टू करेक्ट देम। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।